हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द भारत टॉक्स पे। बात करें किस तरह से आजकल हिजाब का मुद्दा है वो तेजी से चलता हुआ नजर आ रहा है। हर तरफ आपको हिजाब हिजाब दिखेगा। कर्नाटक से चालू हुआ, पूरे देश में चला, उसके बाद में हिजाब वर्सेस जो भगवा उसका चला, उसके बाद में कोर्ट हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका, अभी तक उसका पूरा नतीजा नहीं निकला। लेकिन एक बार फिर से हिजाब की वजह से विवादों में है, और इस बार बिहार के अंदर यहाँ पे देखने को मिला है किस तरह से यहाँ पे परीक्षा के दौरान नकल करती हुई यहाँ पे छात्राएं, यहाँ पे जैसे संदेह हुआ यहाँ पे टीचर को, तो उसने वहां पे चेक करने के लिए कहा कि अपने हिजाब एक बार हटाओ, मुझे तुम्हारे कानों में यहाँ पे चेक करना है, तुमने ब्लूटूथ लगा रखा है। लेकिन वहां पे साफ साफ मना कर दिया यहाँ पे छात्राओं ने कि हम नहीं हटाएंगे, और यहाँ पे उसको हिजाब का एक अलग ही तूल दे दिया। और अब तेजी से यहाँ पे उल्टा विरोध और हो रहा है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम पे देशद्रोह के आरोप लगे, और काफी कुछ बोला है यहाँ पे। पूरी बात मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। वीडियो को भाई लाइक जरूर कर देना, ज्यादा शेयर करना ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब मैं आपको बताता हूं पूरी बात आखिर क्या है हिजाब का एक और नया मुद्दा। ये देखिए, ओप इंडिया ने यहाँ पे इसको कवर किया है, ओप इंडिया ने यहाँ पे कवर किया है। ब्लूटूथ लगाकर परीक्षा दे रही थी हिजाबी छात्राएं, रोकने पर बना दिया मजहब का मुद्दा। बिहार में मुस्लिम लड़कियों का हंगामा, कॉलेज ने कहा माहौल बिगाड़ने की साजिश। तो ये अभी 16 अक्टूबर की न्यूज है, मुजफ्फरनगर में के यहाँ पे महंत दर्शन दास कॉलेज, महिला कॉलेज, महंत दर्शन दास महिला कॉलेज में सेटअप, यहाँ पे देखिए सेंटअप परीक्षा चल रही थी। इस दौरान कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर बैठी हुई थी। एक शिक्षक को छात्राओं के ब्लूटूथ लगाए हुए का शक हुआ तो उन्होंने छात्राओं से कान दिखाने को कहा। ये देखिए, ये आपको फोटो दिख रही होगी, ये हिजाब में कुछ छात्राएं, ये है बिहार के मुजफ्फरनगर की घटना। अब देखते हैं क्या हुआ। ये देखिए, जहां एक और इस्लामिक देश ईरान में महिलाएं हिजाब का विरोध कर रही है, वहां तो यह है कि पूरे कपड़े खोलकर यहाँ पे विरोध हो रहा है कि भैया हिजाब नहीं पहनेंगे, हमारा शरीर, हमारी बॉडी, हमारी इच्छा जो पहनेंगे, हिजाब नहीं पहनेंगे, ये हो रहा है। और दूसरी तरफ यहाँ पे अलग ही तमाशा देखने को मिल रहा है। ये देखिए, मुजफ्फरनगर के MDDM कॉलेज में परीक्षा के दौरान हिजाब पहने हुए छात्रों ने शिक्षक द्वारा कान दिखाने के लिए कहने पर छात्रों ने जमकर बवाल मचा दिया। ये देखिए, परीक्षा चल रही थी, कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर बैठी हुई थी। एक शिक्षक ने छात्राओं के ब्लूटूथ लगाए होने का शक हुआ, क्योंकि वो बातचीत कर रही थी तो उनको लगा कि ब्लूटूथ लगा रखा है, तो कान दिखाने के लिए कह दिया। और भाई जैसे ही कान दिखाने के लिए कहा, वैसे ही छात्राएं क्या हुआ, भड़क गई और कॉलेज में ही बवाल करने लगी। लो जी, अब यहां पर बवाल भी हो गया केवल कि कान दिखाने के लिए। अरे कान दिखाने के लिए बोला था भाई, और कुछ दिखाने के लिए नहीं बोला। और छात्रों का आरोप है, परीक्षा के दौरान शिक्षक शशि भूषण ने छात्रों से पहले तो हिजाब निकालने को कहा, और मुस्लिम लड़कियों की माने तो इसके बाद उन्हें आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए देशद्रोही कहा। ये देखिए, ये आरोप भी लगा दिया शिक्षक ने, उनसे कहा कि रहते यहां का हो, गाते वहां का हो, पाकिस्तान ही चले जाओ। इसके बाद में छात्राओं ने विरोध किया, बिना परीक्षा दिए कॉलेज के बाहर जाकर बवाल करने लगी। ये बात, अब ऐसा तो नहीं है कि ये शिक्षक यहां पे पहली बार आया, ऑलरेडी वो काफी पुराना है। दूसरी चीज, ऐसा भी नहीं है कि यहां पे पहली बार एग्जाम हो रहा है, पहले भी हुआ है, लेकिन यहां पे अब मामला इसको अलग ही तूल दे दिया। इस मामले में कॉलेज की प्रिंसिपल है डॉक्टर कनुप्रिया, उनका कहना है छात्रों की यह हरकत यहां की माहौल बिगाड़ने की एक कोशिश है, साजिश है। इस कॉलेज का इतिहास काफी पुराना है, ये छात्र इंटर की है, सभी लोगों को मोबाइल हटाने, ब्लूटूथ हटाने को कहा गया था, लेकिन इन लोगों ने इसे एक अलग ही मामला बना दिया और धर्म से जोड़कर बवाल करने लगी। तो ये सारी चीज है, बहुत ही शर्मनाक बात बताई है। और अटेंडेंस, इन छात्रों की अटेंडेंस भी 75% से कम है, ये देखिए। और शिक्षा मंत्री और यूनिवर्सिटी का भी निदेशक, कम अटेंडेंस परसेंट वाली छात्रों को फाइनल एग्जाम में बैठे नहीं दिया जाएगा, और इस वजह से ही ये लोग बवाल यहाँ पे बेवजह दबाव बना रहे हैं, और यहाँ पे कॉलेज प्रशासन के सामने झुक जाए, इसलिए ऐसा जानबूझकर किया गया, हिजाब की कोई बात नहीं है। तो ये भाई नकल करते हुए पकड़े गए तो भी यहां पे, और ये देखिए कॉलेज की प्रिंसिपल, ये देखिए ये दिख रहा होगा। अब इनका आज स्टेटमेंट भी आ गया, शी सेड दैट शी वॉन्ट राइट द एग्जाम्स बट वॉन्ट शो हर ईयर्स, देन शी स्टार्टेड राइजिंग द इश्यू ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कॉलेज प्रिंसिपल का कहना है। ये देखिए ANI को रिपोर्ट यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए ANI, इट्स शॉकिंग दैट ए क्लास 11 गर्ल विल बिहेव लाइक दिस, ये सारी चीजें यहाँ पे कॉलेज की प्रिंसिपल कह रही है, भाई हम नहीं कह रहे। ये देखिए प्रिंसिपल ने बेहद शर्मनाक घटना बताया, इतिहास काफी पुराना है, धर्म से जोड़कर बवाल करने लगे, ये सारी चीजें कहनी है यहाँ पे कॉलेज की प्रिंसिपल का। और यहाँ पे सारी बात जो हिजाब विवाद है वो और ज्यादा यहाँ पे पेचीदा होता नजर आ रहा है। और यहाँ पे जब चेकिंग कराने को कहा तो छात्राएं भड़क गई,
और यहाँ पे मजहब को बीच में लाकर बवाल शुरू कर दिया। तो भाई ये तो शुरुआत है, इस तरह की घटनाएं तो होगी होगी और ये बढ़ेगी। उसी टाइम यहाँ पे पुलिस को बुलाकर उनकी चेकिंग होती, पकड़ी जाती, तो सारा मामला ही यहाँ पे उल्टा हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, केवल यहाँ पे डर के मारे उनकी ना चेकिंग की गई ना और कुछ एक्शन लिया गया। और अब यहाँ पे उल्टा यहाँ पे प्रिंसिपल, पूरा कॉलेज स्टाफ, ये ही यहाँ पे सवालों के कटघरे में आ गया है। तो ये है हिजाब का एक और विवाद। तो देखा आपने किस तरह से यहां पे इस मुद्दे को, एक जो नकल करने वाले मुद्दे को, इसको भी हिजाबी रूप दे दिया और यहाँ पे उल्टा टीचर को ही फंसाने में सब लगे हैं। लेकिन यहाँ पे स्कूल की प्रिंसिपल वो आ गई है और उसने यहाँ पे बचाव किया है कि ये केवल ध्यान भटकाने की कोशिश है, जानबूझकर इसको मजहबी रंग दिया जा रहा है। आपका क्या कहना है इसके बारे में, आप नीचे कमेंट जरूर करें। अगर यहाँ पे उसी टाइम प्रिंसिपल यहाँ पे पुलिस को बुला लेती, चेक यहाँ पे किया जाता, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। लेकिन यहाँ पे अब एक नया ही रूप यहाँ पे ले लिया गया है। आपका जो भी कहना है, आखिर क्या समाधान है ऐसी चीजों का, नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सभी तक पहुंचे, जाने से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, घंटे के निशान को जरूर दबा दे ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।